आज का एडिट करूंगा। मैं शांत रहना और कर रहा, समझ रहा नहीं? अरे अच्छा गामदी कूट बिसाय माजा बापा सदरा रहाय। मैं मत कर दे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है व्लॉग 4 डे 4 और हम जा रहे हैं, आज संडे है और संडे को हम जा रहे हैं, भीम सकाड़ होती है हमारे तरफ नागपुर में, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। बहुत ही फन, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये मेरे हाथ में देख रहे होंगे केले, तो अभी अभी हम उठे हैं, कुछ खाए नहीं कुछ नहीं, तो मैंने सोचा केले ले लेता हूँ, घर पर पड़े थे तो अभी जाते जाते खाएँगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है वहाँ पर, भीम सकाड़ होने वाली है। तो संडे को होती है, हर रोज़ नहीं रहती, हर संडे रहती है। तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे और अभी हम निकल गए हैं घर से। इसको 5:30 बजे कॉल कर दिया था, तो फटाफट हम रेडी हुए और मैंने बोला आ जा घर पर, अपन साथ पर चलते। हमारा कल ही डिसाइड हो गया था कि हम भीम सकाड़ के लिए जाएंगे, बट मैं सोकर था, बाद में मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था इसलिए मेरी नींद नहीं खुली। अभी हम निकल गए हैं भीम सकाड़ के लिए, चलो फटाफट केले वगैरह खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको सिनेमैटिक के साथ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रामझूला बड़े मेट्रो स्टेशन के पास और हमको जाना है भीम चौक। जय भीम मित्र मंडली। इन बाहों में भर के आगल अभी पहुंच गए यहाँ पार्किंग लगाते आता क्या है। राजा शिव छत्रपती महाराजांचा
शास्त्र पंडित ज्ञान गोविंद सर्जारण धुरंधर छत्रपती संभाजी महाराजांचा छत्रपती संभाजी महाराजांचा छत्रपती संभाजी महाराजांचा माझ्या जीवनातलं पहिलं गाणं आहे होता तो बापाचा बाप माझा भीमराव आंबेडकर. दुसरं गाणं आहे आमदार भारताला दिवा पाहिजे या देशाला जिजवता शिवा भीमाईचा भिवा पाहिजे. तिसरं गाणं आहे झाला महाराष्ट्राचा राजा शिवबा माझा ग. चौथं गाणं आहे पोरी बी झाले डॅशिंग. पाचवं गाणं आहे साऱ्या देशाचा बाप माझा भीमराव पॉवरफुल. त्याच्यानंतर झालं सोनं या जीवनाचं केले भीमाने एकसही. आणि तुम्ही आता जे ऐकत आहात सऱ्या जगामध्ये कुठे बी जाय माझ्या भीमाचा दरार आहे हे पण गाणं आज आहे. आणि इकडं तिकडं बघू नको बाप भीमराव हाय आणि सऱ्या जगामध्ये कुठं बी जाय साऱ्या जगामध्ये कुठं बी जाय माझ्या बापाचा दरार हाय साऱ्या जगामध्ये कुठं बी जाय माझ्या भीमाचा दरार हाय. 1891 साल जन्मालय भीमाई चालल आरामचे होते लई हाल करून गेला मालामाल आणि एकदा घटना तू वाचून पाय. ज्यांना आमच्या बापाविषयी काय माहित नाही ना त्यांनी अगोदर घटना वाचून बघायची नंतर आमच्या पोरांच्या नादाला लागायची. एकदा घटना तू वाचून पाय आणि माझ्या भीमाचा दरार हाय साऱ्या जगामध्ये कुठं बी जाय माझ्या बापाचा दरार हाय. आणि बाबासाहेबाच्या उपकाराची ठेवली या जाण त्या धन्वेच्या धम्मान लिहलं या गाण. बाबासाहेबाच्या उपकाराची ठेवली या गाण ददनवेच्या धम्मान लिहल या गाण. कडू नावाची गोड माझी माय कडू नावाची गोड तुमची माय आणि माझ्या भीमाचा साऱ्या जगामध्ये कुठं बी जाय माझ्या बापाचा दरार हाय. यहाँ पर अपने को बीप राग मिल चुके हैं. अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से भी. तो अभी हम भीमसा घाट से निकल चुके हैं घर के लिए. अभी देखते हैं नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर घर के लिए निकल जाएंगे. तो अभी हमारा नाश्ता कर कर हो गया है और अभी हम निकल गए हैं घर की ओर. और अब डायरेक्ट घर पे पहुँचने के बाद आगे का जो आज का डे है वो बताऊंगा क्या है आगे. अभी कुछ प्लान नहीं है. कट तो हो गई है वहाँ से आ गए. अब डायरेक्ट घर पर मिलते हैं. पहुँच चुके हैं हम घर. तो देखते हैं क्या है आगे का. मिलते थोड़ी देर के बाद. तो फ्रेंड्स अभी बारिश बहुत हो रही है. अभी बज रहे हैं 4:30. तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी वीडियो अपलोड करने समीर के इधर. यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर होगा उसका घर. तो बारिश बहुत गिर रही है. अभी मेरे को वीडियो अपलोड करने जाना है और ये बरस रही है बार बार. मैं उधर से रात को जल्दी सोया नहीं था. 1-1.5 बजे सोया था. 2 बजे सोया था एडिटिंग कर रहा था. और सुबह भी फिर 6:30-5 बजे उठ गया था भीमसाकाड़ के लिए. कल उसका ब्लॉग आएगा भीमसाकाड़ का अपने जो नागपुर में संडे के दिन होता है. अभी थोड़ी देर वीडियोज़ वगैरह एडिट किया थंबनेल वगैरह एडिट किया और अभी जा रहा हूँ मैं पोस्ट करने अपनी वीडियो समीर के इधर. तो चलते हैं अभी समीर के इधर मिलते हैं डायरेक्ट. तो अभी हम पहुंच चुके हैं समीर के घर में. ब्लॉग अपलोडिंग चालू है.
थोड़ी देर के बाद अपलोड हो जाएगा। अभी बहुत भयंकर नींद आ रही है मेरे को, मैं कल भी 2:30 बजे तक सोया नहीं, एडिटिंग कर रहा था, फिर मैं सोया 2:30 बजे, तो सुबह हमको जाना था कहाँ भीमसागढ़ में, तो 5:30 बजे उठ गया था। तो अब मेरे को नींद तो कुछ भयंकर आ रही है। अब ब्लॉग अपलोड करने के बाद ये ब्लॉग को एंड करूँगा और फिर बहुत सो जाऊँगा, बहुत भयंकर। तो अभी हम आए हैं राइस खाने के लिए, एसमैक के सामने जो राइस बड़े राइस खाने के लिए आए हैं। अभी मैं घर पर था, थोड़ा बोर लग रहा था, तो अभी मैं दोस्त लोगों से मिलने आ गया और राइस भी मंगवा लिए। बस तो गाइस ये चिकना मत कर दे, इसकी आईडी मेंशन करूंगा, सब लोग इसको चिकना बोलूंगा। ओके तो फाइनली अभी हमारा हो गया है खा पी कर और हम निकल गए घर की ओर। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा तो बताना, ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ मैं और अभी जाकर मैं एडिट करूंगा ब्लॉग, आज का एडिट करूंगा। मैं शांत रहना, ब्लॉग कर रहा था, समझ रहा नहीं। हाँ तो मैं बोल रहा था, मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, जब तक के लिए बाय।